तो सबसे पहले मैंने एक डब्बा ले लिया, डब्बा जो पॉन्स की डब्बा ये आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने डब्बा के ऊपर मार्किंग कर लिया, इस मार्किंग में मैंने होल करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने सोल्डरिंग आयरन की मदद से होल कर रहा हूँ, आप देख लो। तो मैंने जहाँ जहाँ मार्किंग किया उसी ने होल कर लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने और एक पॉन्स की कैप ले लिया, मैंने इसको मार्किंग बराबर काट लेंगे तो आप देख सकते हैं। मैंने एक कार्ड को काट कर इस तरीके से बना लिया, आप देख सकते हैं चार पीस। उसके बाद मैंने उसके ऊपर फेविक्विक लगाएंगे और वो जो चार पीस मैंने काट लिया उसको मैंने चिपक देंगे, तो आप देख सकते हैं। मैंने चारों को फेविक्विक मदद से चिपका लिया, आप देख सकते हैं एक पंखा बन गया। उसके बाद मैंने एमसील लेंगे और इसको चिपक कर लगा देंगे। तो मैंने इसको लगा लेते हैं, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको लगा लेंगे, उसको मैंने सूख कर दे दे। उसके बाद मैंने एक मोटर ले लिया, इस मोटर को आप देख सकते हैं 575 वोल्ट की मोटर है। उसके बाद मैंने मोटर को डब्बा के अंदर सेट कर देंगे, उसके बाद फेविक्विक को लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने फेविक्विक को लगा रहा हूँ। उसके बाद मैंने एक पेन ले लेंगे, इस पेन को हम काट लेंगे, आप देख सकते हैं मैंने लगा लिया, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने जो मोटर का बीट है वहाँ पर मैं लगा लेंगे ताकि जो पंखा लूज ना हो इसलिए। उसके बाद मैंने इस पंखा को लगा लेंगे, आप देख सकते हैं पंखा काफ़ी सूख गया। उसके बाद मैंने फेविक्विक को लगा लेंगे ताकि जो नहीं लूज हो सकते हैं इसलिए। जो मैंने कैप ले लिया इस कैप को हम लगा लेंगे तो कुछ इस तरीके से, तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने एक पाइप ले लिया, इस पाइप को मैंने सीरीज पेपर की मदद से घोंस लेंगे ताकि जो दिखने में अच्छा लग रहा। इस पाइप को मैंने यहाँ पर लगा लेंगे, तो लगाने के लिए मैं फेविक्विक का यूज़ कर रहा हूँ, आप चाहे तो यहाँ पर ग्लूगम भी लगा सकते हैं, मैं बाद में ग्लूगम लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ग्लूगम को अच्छे तरीके से लगा लिया। उसके बाद मैंने और एक पाइप ले लिया, इस पाइप को मैंने लगा लेंगे, तो मैंने इसको लगा लिया, आप देख सकते हैं मेरा वाटर पंप बनकर तैयार हो गया। तो चलिए इसको चेक करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं इसका कितना स्पीड है, तो ये दिखने में काफ़ी अच्छा है और इस चीज़ आपको लाखों रुपए बचा सकते हैं। तो इसका आप आवाज़ तो सुन लो, काफ़ी आवाज़ है इसका। तो वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करना, चैनल बनाए तो चैनल को कर देना सब्सक्राइब।